हेलो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय शासन एवं राजनीति विषय के इस बिंदु के तहत हम आज आगे चर्चा करें। इससे पहले हमने पिछले व्याख्यान में अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन योजना के संबंध में बात की थी, जो दोनों ही योजनाएं द्वितीय विश्व युद्धकालीन परिस्थितियों में हमारे सामने आई, और इन दोनों ही योजनाओं को भारत के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया। तो आइए हम इसी कड़ी के तहत आगे बात करते हैं। वेवेल योजना 1945, लॉर्ड वेवेल योजना 1945, यह योजना भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने 14 जून 1945 को प्रस्तुत की। लॉर्ड वेवेल ने, उस समय ये स्वयं गवर्नर जनरल वायसराय थे भारत के, 14 जून 1945 को प्रस्तुत की। लॉर्ड वेवेल को लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर अक्टूबर 1943 में भारत का वायसराय बनाया गया। पहले लॉर्ड लिनलिथगो थे और उनके स्थान पर अक्टूबर 1943 को लॉर्ड वेवेल को वायसराय बनाया गया। यह योजना द्वितीय विश्व युद्धकालीन परिस्थितियों में प्रस्तुत की जाने वाली अंतिम योजना थी। यानी इससे यह तय है कि अब तक, यानी जून 1945 तक, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। यानी अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब तक ब्रिटेन की विजय पराजय स्पष्ट नहीं थी। यह द्वितीय विश्व युद्धकालीन परिस्थितियों में प्रस्तुत अंतिम योजना थी। लॉर्ड वेवेल योजना के तहत रखे गए प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार है। इस योजना में मुख्यतः उन्हीं बातों को दोहराया गया जिनका जिक्र क्रिप्स मिशन योजना के तहत किया गया है। ज्यादातर तो उन्हीं बातों को दोहराया गया, यानी इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। इस योजना में उन्हीं बातों को रिपीट किया गया जिनका जिक्र क्रिप्स मिशन योजना में किया गया। इस योजना के तहत कहा गया कि युद्ध समाप्ति के बाद, वही जो पहले कहा गया था, युद्ध समाप्ति के बाद भारत को अधिराज्य यानी डोमिनेटेड स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। दूसरा बिंदु, अति शीघ्र भारत के लिए भारतीयों द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यह बिंदु भी दोहराया गया जो क्रिप्स मिशन योजना में भी कहा गया था। अति शीघ्र का मतलब यही है कि युद्ध समाप्ति के बाद, क्योंकि अभी तो ब्रिटेन खुद ही संकट में फंसा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में तो भारत को क्या देगा वो? अभी वो देने किसी भी प्रकार की कोई भी योजना या वस्तु देने की स्थिति में नहीं है। अभी तो केवल उसको सहयोग चाहिए। अति शीघ्र यानी युद्ध समाप्ति के बाद। अगला बिंदु, केंद्रीय स्तर पर एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। नई कार्यकारी परिषद जिसमें वाइसराय और कमांडर इन चीफ के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे। यानी ये दो लोग ब्रिटिशर्स होंगे, एक तो वाइसराय और दूसरा कमांडर इन चीफ, और इन दो के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे। यह भी भारतीयों को रिझाने का एक प्रयास था। वेवेल योजना को भारत के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया, और अस्वीकार करने का कारण यहां भी उनका वही था। राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेकर और मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान के निर्माण की मांग को लेकर इस वेवेल योजना को अस्वीकार कर दिया, और यह योजना असफल हो गई। हाँ, इस वेवेल योजना के आधार पर 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ध्यान रखिए, 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग शिमला में सम्मेलन जिसमें लगभग 21 भारतीय राजनेताओं ने भाग लिया। कितने भारतीय राजनेताओं ने? लगभग 21 भारतीय राजनेताओं ने भाग लिया। लेकिन मुस्लिम लीग की हठधर्मिता के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। ये सम्मेलन भी ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों इस सम्मेलन में वहां भिड़ गए, क्योंकि
क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि अब्दुल कलाम आजाद गए थे और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और उनके सहयोगी थे, और जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि एक मुस्लिम व्यक्ति राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। तो जिन्ना और अब्दुल कलाम आजाद की बद्दे बहुत बहस हुई, बहुत जिरह हुई, और उसका परिणाम यह हुआ कि यह सम्मेलन असफल हो गया। बहुत बहस हुई, इवन यहाँ तक कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप कौन से असली मुसलमान हो, ना तो आप कभी नवाज पढ़ते हो, ना कभी रोजे रखते हो, ना मुस्लिम धर्म के कायदों को मानते हो, तो आप किस प्रकार से मुस्लिम हो। यहाँ तक अब्दुल कलाम आज़ाद ने जिन्ना के संबंध में कहा था। तो यह असफल हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि अब्दुल कलाम आज़ाद ने वेवेल योजना की असफलता को भारतीय राजनीति के इतिहास के लिए जल विभाजक रेखा कहा। ध्यान रखिए, किसने वेवेल योजना की असफलता को जल विभाजक रेखा कहा, शिमला सम्मेलन की असफलता को जल विभाजक रेखा कहा, ये कहा अब्दुल कलाम आजाद ने। शिमला सम्मेलन में लॉर्ड वेवेल ने मुस्लिम लीग को वीटो का अधिकार दे दिया। एक तरह से यहाँ भी उन्होंने तुष्टिकरण की नीति अपनाई, जिसके तहत कहा गया कि यदि मुस्लिम लीग किसी प्रस्ताव पर असहमत होती हैं तो ऐसे प्रस्ताव को दो तिहाई बहुमत से पारित होने पर ही लागू किया जाएगा। और यहीं से शिमला सम्मेलन 1945 की असफलता से भारतीय विभाजन की खाई और चौड़ी होगी। यानी जो भारतीय लोगों में, हिंदू और मुसलमानों में जो राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो मतभेद थे, वह और उभर कर सामने आ गए। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ये अगली योजना है, और यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह ऐसी योजना है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में प्रस्तुत की गई, यानी युद्ध समाप्ति के बाद में प्रस्तुत की गई। यानी अब तक द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति स्पष्ट हो गई और मित्र राष्ट्रों की जीत इस युद्ध में हुई। तो देखिए, जब कोई राष्ट्र विजित होने के बाद में किसी प्रकार की योजना रखता है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि पहले जितनी भी योजनाएं रखी वह असमंजस की स्थिति में थी, अनिश्चितता की स्थिति में थी, क्योंकि अभी युद्ध का परिणाम शेष था। लेकिन यहाँ युद्ध का परिणाम आ चुका था और मित्र राष्ट्र विजित हो चुके थे, और ऐसी स्थिति में जो ब्रिटेन योजना रखेगा उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो यह है कैबिनेट मिशन योजना 1946। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों का एक मिशन भारत आया। ब्रिटिश कैबिनेट के, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं। देखो, कैबिनेट मिशन कहने का कारण ही इसका यही है कि इसके जो तीनों मेंबर थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। इसके तहत या इसके द्वारा प्रस्तुत योजना को कैबिनेट मिशन योजना कहा गया। अब इसमें जो 3 सदस्य आए वो कौन कौन थे, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन योजना में शामिल था, या निम्न में से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन योजना में शामिल नहीं था। दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, कौन अध्यक्ष था, कौन सदस्य थे, कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे, कैबिनेट मिशन आयोग कब आया। ये कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बनते हैं। इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो इस आयोग के अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जिन्होंने पहले भी योजना प्रस्तुत की थी, और सर एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य यथाशीघ्र भारत के लिए भारतीयों द्वारा संविधान सभा का गठन करना था। पहला, इस मिशन का उद्देश्य क्या था, यानी यथाशीघ्र अति शीघ्र भारत के लिए भारतीयों द्वारा संविधान सभा का गठन करना, और दूसरा, भारत की स्वतंत्रता के लिए मार्ग प्रशस्त करना। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु, यानी ऐसा मार्ग तलाश करना
जिसके माध्यम से भारतीय लोगों को स्वतंत्र किया जा सके, भारत को स्वतंत्रता दी जा सके। ये आप लोगों को समझना होगा। कैबिनेट मिशन आयोग ने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार हैं। पहला, भारत के लिए अति शीघ्र भारतीयों द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पहला बिंदु, भारत के लिए अति शीघ्र, ये बिंदु पहले भी आया, लेकिन पहले के बिंदुओं में इस बिंदु में अंतर है, क्योंकि पहले नाव मझधार में उलझी हुई थी, अटकी हुई थी, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, और अब उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो भारत के लिए अति शीघ्र भारतीयों द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। देशी रियासतों के सदस्य देशी रियासतों से चुनकर आएंगे, यानी वहां के जो प्रतिनिधि होंगे वो वहां से चुनकर आएंगे, वहां के रजवाड़ों के माध्यम से चुनकर आएंगे। तीसरा बिंदु, भारत के लिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जो अब तक नहीं आया, ये दोनों ही बिंदु बड़े महत्वपूर्ण है, तीसरा और चौथा, जो अब तक किसी भी आयोग या किसी भी योजना में नहीं रखे गए। भारत के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दल शामिल होंगे। अंतरिम सरकार का गठन करने की बात आई है और सभी दलों को शामिल करने की बात आई है, तो यह बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगला बिंदु, भारत के लिए एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें देशी रियासतों को भी शामिल किया जाएगा, यानी फिर यहां देशी रियासतों की बात आई है, एक अखिल भारतीय संघ बनेगा जिसमें देशी रियासतें भी शामिल होगी। तो ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे, अखिल भारतीय संघ का निर्माण और अंतरिम सरकार का जो गठन का प्रयास था, ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग को केवल और केवल अलग पाकिस्तान का निर्माण चाहिए था और कुछ स्वीकार नहीं था, केवल और केवल अलग पाकिस्तान। लेकिन इस योजना के प्रावधानों को राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात रही कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस योजना के प्रावधानों को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस योजना के प्रावधानों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस जानती है कि उंगली पकड़ के ही पोचा पकड़ा जाता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो मिल रहा है उसको ले लें तो, और आगे के लिए प्रयास करें, ये बात राष्ट्रीय कांग्रेस समझ चुकी थी। अगर वह इस योजना को भी ठुकरा देती तो फिर आगे ब्रिटिश सरकार से किसी भी प्रकार की योजना की वह उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि यह योजना ऐसे समय में प्रस्तुत की गई जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन विजित हो चुका और सहर्ष वे भारत के लिए कुछ करने का विचार रख रहे थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने अच्छा किया, और आपने मेरा व्याख्यान ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।